देश प्रसाद मिश्र की तृतीय पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर जनपद महोबा के विकासखंड जैतपुर के ग्राम धौरा में गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के तत्वाधान में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करते हुए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नवनिर्मित खेल परिसर का उद्घाटन किया। गणेश प्रसाद मिश्र की मूर्ति का अनावरण और 4,99.13 लाख रुपए की लागत से 41.92 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं की उन्नति और सम्मान के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा किसानों की बेहतर स्थिति के लिए किसान सम्मान निधि योजना चालू की गई है, जिसके तहत 2,000 रुपए प्रति तिमाही की दर से प्रतिवर्ष सभी किसानों के खाते में 6,000 रुपए दिए जाने की व्यवस्था है। गांव के लोग हों, चाहे विधानसभा के लोग हों, चाहे जिले के लोग, पूरी प्राथमिकता के आधार पर गरीब और किसान कल्याण की जितनी योजनाएं केंद्र के माध्यम से, प्रदेश के माध्यम से, उनको उन लोगों तक पहुंचाने का काम करिए जिनके लिए योजनाएं बनी। हम जमीन तक हर योजना को पहुंचाना चाहते हैं, बीच में कोई दलाल को, कोई भ्रष्टाचारी को रहने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वह सारी योजनाएं जो आज के लिए बनी, आपके जीवन में उत्थान के लिए बनी है, वो आप तक पहुंचा। प्रधानमंत्री का अभियान तीव्र गति से चल रहा है, सर जिला सर जिला पंचायत द्वारा सर बनी हुई सड़क दो माह में सर उखड़ गई है पूरी तरह से। सर कैसा पूरी होगी वर्षा के कारण? थोड़ी नीचे कर दो ना, ऐसे आईडी का अभियान है पूरे प्रदेश में, सभी विभाग सर सड़कों को सुधारने का काम कर रहे हैं।